अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मक्का की रोटी। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो सभी के घर में मक्का की रोटी सरसों का साग बनता ही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है अगर हमें मक्का की रोटी मिल जाए साग के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। मुझे मक्का की रोटी बनाने बिल्कुल भी नहीं आती है तो मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया है, वो मुझे बताएंगी कि मक्का की रोटी एकदम मुलायम और फूली फूली कैसे बनती है, वो किस टेक्निक से बनाती हैं। उन्हें बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है बनाने की, तो वो मुझे बता रही हैं कि देखिए, इस तरह से आटा हम ले लेते हैं मक्का का, और हम सारा आटा एक साथ नहीं गूंदते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही मक्का का आटा जो गूंदा जाता है, और इसे हमें हथेलियों की सहायता से अच्छे से इसको मलना है। ये वो बोल रही थी कि जितना हम इसको मलते हैं उतनी ही हमारी मक्का की रोटी सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल भी नहीं टूटती हैं। तो आप कोशिश यही करें कि इसको अच्छे से आप हथेलियों से मले। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से वो थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से मल रही हैं। देखने में तो बहुत ही आसान लगता है फ्रेंड्स, जब हम बनाते हैं मक्का की रोटी तो हमसे नहीं बनती है, और मेरी फ्रेंड को तो अच्छी खासी प्रैक्टिस है मक्का की रोटी बनाने की। और देखिए कितनी आसानी से इन्होंने रोटी को फैला दिया है, बहुत ही आसानी से हाथों की हेल्प से, हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर, और इन्होंने रोटी फैला दी है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इन्होंने बहुत ही आसानी से रोटी को फैला दिया है। तो ये देखिए कितनी आसानी से इन्होंने फैला दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी है, और बहुत ही अच्छी बनी है गोल गोल। तो हमारे पास नॉनस्टिक पैन था, हमने उस पे इसको रख दिया है, पैन अच्छे से गर्म हो चुका था। तो देखिए अब हम इसको पलट देते हैं, ये देखिए बहुत ही आसानी से पलट गई है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी। तो दूसरी भी हमारी मक्का की रोटी तैयार हो चुकी थी। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से मक्का की रोटी इन्होंने बनाकर दिखा दी है। देखिए ये फूलने लगी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारी एक रोटी तैयार हो चुकी है, इसको अच्छे से हम कोने सेक लेंगे जिससे कि ये कच्ची ना रहे। तो देखिए हमारी मक्का की रोटी एकदम तैयार है, फूली फूली, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आटे को मलने के में, जब हम उसको मलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लगा लेते हैं थाली। तो देखिए मक्का की रोटी रख ली है, तो इसमें घी लगाना तो बनता है, तो हम इसमें अच्छे से देसी घी लगा लेंगे और रख देंगे साग, इसमें भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। तड़का मैंने पहले ही लगा लिया था साग में, और मैंने ले लिया है एक गिलास मट्ठा यानी कि छाए, और थोड़ी सी ले ली है मूली। तो हमारी थाली हो चुकी है तैयार। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मक्का की रोटी की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।